कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब थोड़े प्रश्न भी लोगों के आ गए हैं, हर सत्संग में प्रश्न रहते हैं। प्रश्न क्या है कि एक माता ने पूछा है, अब इनका उत्तर बहुत थोड़ा थोड़ा देंगे क्योंकि और भी बातें हैं, कि लक्ष्मण जी को लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में कि वो सो रहे थे, राम जी ने जगाया वनवास काल में, जबकि ये वरदान था मेघनाथ को कि 14 साल जो नहीं सोएगा वही मार सकता है, तो वो तो सो रहे थे, बात झूठी हो गई, ऐसा किसी ने प्रश्न किया। तो भक्तों, लक्ष्मण जी कौन हैं ये आपको पता है सत्संगियों को, जो सहस शीश अहिश महिधर लखन सचराचर धनी, तो वह हैं शेषनाग भगवान। अब बताओ तुम्हारे सिर पर जितना ज्यादा से ज्यादा वजन तुम ढो सकते हो उतना वजन रखा हो, और कहा जाए कि ये वजन सिर से डिसबैलेंस हुआ गिरा तो तुम्हारे लिए संकट है, तो तुम सोओगे क्या? नहीं सोओगे। तो लक्ष्मण जी शेष नाग भगवान, उनके सिर पर तो अनंत ब्रह्मांड है, वो काहे सो सकते हैं? लगातार भगवान नाम जप करते हैं, मुंह बंद नहीं करते, मुंह से लार गिरती रहती है जो गंगा नदी बन जाती है अमृत की, तो वही लक्ष्मण जी हैं। तो लीला में उन्होंने भगवान राम जी के कहने पर विश्राम किया, किंतु लक्ष्मण जो शेष के रूप में है वो कहाँ विश्राम कर सकते हैं, वो तो लगातार सेवा कार्य में लगे हुए हैं। ये बात हो गई। दूसरा प्रश्न था कि अष्ट सखा और अष्ट छाप के कवि राधा रानी की अष्ट सखियां, सीता जी की अष्ट सखियां, ये आठ आठ क्यों, ऐसा किसी ने पूछा, लेकिन अब हम ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, टाइम बहुत खाने वाले। तो अष्टधा प्रकृति का वर्णन गीता जी के सातवें अध्याय में है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये अष्टधा प्रकृति है। वास्तव में भगवान प्रकृति के बिना जब रहते हैं निर्गुण निराकार, तो अक्रिय रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, न्यूट्रल हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। और जब उनको कुछ एक्टिविटी करनी होती है तो प्रकृति को साथ में लेते हैं, वो अष्टधा प्रकृति अर्थात उनके अष्ट सखा, उन्हीं के द्वारा सारी लीलाएं होती हैं। यदि भगवान की सखा राजा रानी की सखियां ये सब ना हो तो लीला कैसे हो, इसलिए वो प्रकृति की बात। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। एक और था कि लक्ष्मण जी शेष नाग हैं तो भरत शत्रुघ्न जी कौन है, तो भरत शत्रुघ्न का प्रश्न अब मैं बहुत थोड़े थोड़े में बता रहा हूँ, इसने भी संतोष करना पड़ेगा प्रश्नकर्ता को। भरत कौन है? विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई, जो सारी दुनिया का भरण पोषण करता वो भरत जी हैं, अर्थात विष्णु भगवान, और भगवान महाविष्णु हैं राम जी, और भरत जी विष्णु भगवान, और ये शत्रुघ्न जी कौन है? वेद प्रकाशा, जिन्होंने वेद का प्रकाश किया, नामकरण जब किया गया वशिष्ठ जी के द्वारा, तो उन्होंने कहा जाके सिमरन ते रिपुनाशा, और जिनके सिमरन करने से रिपु का नाश होता है, रिपु का मतलब यहाँ आंतरिक शत्रु है दुर्गुण, दुर्गुणों का नाश होता है, और जिन्होंने वेद का प्रकाश किया तो वेद को क्यों प्रकट किए थे? ब्रह्मा जी, तो उनके अवतार। अब ये सब बात तो हम ज्यादा विस्तार से नहीं करेंगे। अब मैं बेटू की बात फिर चालू कर रहा हूँ। अब बेटू अर्थात ये, अब लाला को ले लो अपने पास में, अब नहीं तो दूर रहेगा तो फिर ये कहेगा कि हमको एक दूर बैठा दिया। अब ये बेटू का एक नाम आप लोगों को अभी नहीं मालूम है, केवल इसको वंदना को पता है और मुझको पता है, क्योंकि मैं भी तो जुड़ गया हूँ उससे जुड़ गया।
तो ये पढ़ाने वाली बात में सुना रहा था, तो ये फिर पुणे से जब उसको गाइड किया गया कि तुम वृंदावन जाओ, तो यहाँ पर आई। अब ये भगवान की लीला है, भगवान जो करें तो ठीक है, अब उसमें अधिक डिस्क्लोज तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, कॉन्फिडेंशियल मामला है तो इसलिए ज़्यादा उसको डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा। तो ये है कि प्रभु ने जिससे पढ़वाना चाहो उसको बना दिया निमित्त, निमित्त मात्रम भव सव्य साची। भगवान ने गीता जी में कहा दिया है ना 11वें अध्याय में अर्जुन से, माया हतांश तुम जहिमा वैशिष्ठा युद्धस्व देता शरण सपत्ना। हे अर्जुन, तू युद्ध नहीं करेगा तब भी ये सब के सब शत्रु मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इनको मार दिया है, मैं तुझे निमित्त बनाना चाहता हूं, करता मैं हूं, लेकिन यश तुझको देना चाहता हूं। यदि तू नहीं मारेगा तब भी ये सब बचने वाले हैं, सब मर जाएंगे। ऐसे ही इनको लीला करनी थी पढ़ाई करने की। अब पढ़ाई करने की लीला करनी थी, इन्होंने चाहे जिसको, अब भगवान तो मशक ही करें विरंचिसन अजय मशकते ही मशक ही करें विरंचिसन, मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को चाहे तो मच्छर बना सकते हैं। तो इनकी जिससे इच्छा थी पढ़ने की उसी को कह दिया कि ठीक है तुम पढ़ाओ, ये लीला है। तो मैंने एक दिन इसने बताया हमको वंदना ने कि आज इसने अपना नाम कटहल रख लिया इसने हमको बताया मैसेज करके कि इसने अपना नाम कटहल रख लिया। हमने कहा अच्छा, ये नाम तो बड़ा कट है। बोले कि आपने जो पढ़ाया था उसी हिसाब से रखा है नाम अपना। तो हमने कहा अच्छा अच्छा, तब मुझे याद आया कि क्या पढ़ाया गया था। तो मैंने युद्ध कांड में लंका कांड में वर्णन है, राम जी ने कहा है संसार में पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा, एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही, एक कहीं कहीं करहि अपर, एक करहि कहत न बागही। तो राम जी ने कहा है कि तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तीन प्रकार के कौन से? संसार में पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा, तीन प्रकार के हैं, पनस पाटल और रसाल। रसाल कहते हैं आम को और पाटल कहते हैं गुलाब को और पनस कहते हैं कटहल को। तीनों में अंतर क्या है? एक सुमन प्रद, एक तो फूल ही फूल देता है गुलाब, एक सुमन फल और दूसरा फूल भी देता फल भी देता आम, पहले आम की बोर लगती फिर बाद में आम फल, और एक फल ही केवल लागही, एक में केवल फल ही फल लगते हैं, फूल जिंदगी में कभी नहीं लगते, वो क्या है? कटहल। कटहल के पेड़ में हमेशा फल लगते हैं, फूल कभी नहीं लगता है। इसी तरह से तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक कहीं, एक कहीं करही, एक करही कहत न बागही। एक तो ऐसे होते हैं जो बस हाँ सब दुनिया भर की बातें झूठा आश्वासन सबको दे देंगे। अब आप लोग इलेक्शन में तो देखते ही रहते हैं कितने ही आश्वासन दे के चले जाते हैं, और करने आओ चाहे ना आओ, ये केवल कहना कहना। और दूसरे होते हैं जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं, और तीसरे होते हैं वो कहते कुछ नहीं और चुपचाप अपना काम करके चले जाते हैं। वो बहुत महान होते हैं जो कभी कहते नहीं हैं, किसी को विज्ञापन नहीं देते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, इतना इतना परोपकार करता हूँ, मेरे इतने इतने परमार्थ के कार्य चल रहे हैं, ये सब कुछ नहीं कहते। एक करहिं कहत न बागहिं, केवल करते हैं कहते कभी नहीं। पूछा भी जाए उनसे
तो भी हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि भैया ये तो भगवान को कराना था तो हम ही से करा दिया, हमसे करा दिया मतलब हम जबरदस्ती करा दिया, इंस्ट्रूमेंट बना दिया, हमको एक उपकरण बना दिया, एक एक उपकरण इंस्ट्रूमेंट बना करके मेरे हाथ से प्रभु ने काम करना था करा लिया। मतलब मैं करता नहीं, मैं करता नहीं, ये भक्त का लक्षण होता है, भगवान करता है ये रियलाइज करता है। तो एक करने एक कहने वाला, एक कहता है तो करता है, तीसरा केवल करता है कहता कुछ नहीं। अब एक दिन का लेसन मैंने सुना दिया आप लोग, एक दिन का ये लेसन था, एक दिन की इनकी पढ़ाई थी। तो ये पढ़ने के बाद ये बोला अपनी माँ से कि माँ मुझको तो कटहल बनना है, मेरा नाम कटहल रख दे तू। तो बेटू का नाम उस दिन कटहल हो गया, बहुत दिन तक कटहल लिखती थी। अब वो उसके बाद नए नए चैप्टर दूसरे दूसरे आए तो बात थोड़ी पुरानी हो गई। तो ये इतनी इनकी प्रीति की बातें हैं कि वो वास्तव में पूरा तो यही बता सकती हैं, थोड़ा थोड़ा हमको पता है हल्का फुल्का। तो वो लीला माँ और बेटे के बीच का रिश्ता, तो अब मैं कितनी चरितावली आपको सुना चुका हूँ, उन सब में आपको सुनने को यूट्यूब में मिला है। और ये तो सम्मुख बैठी, अब ये बात जितनी बताएगी उतना हम लोग जान सकते हैं। अच्छा एक बात और मैं बताऊँ, ये भक्ति जो है भक्तों सबके हृदय में रहती है लेकिन सुप्त रहती है, जागृत जब होती है तब जैसे हाहाकार मच जाता है, आज कहां से प्रभु ने कृपा की। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कुंडलनी जागरण होता है योगी को तो एक सेकंड में जीवन का परिवर्तन हो जाता है, ऐसे ही महाराज भक्ति जब भगवान प्रकट करते हैं ना तो आदमी जो घनघोर नास्तिक रहता है वो एक दिन में महान भक्त होता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।